जी किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों से मुझे केंचुए के बारे में कुछ जानकारी उनको चाहिए थी, और एक किसान भाई हैं श्री विशाल राणा जी पठानकोट से, उन्होंने मुझसे केंचुए भी कहा है कि त्यागी जी आप हमको केंचुए का प्रबंध कराइए। किसान भाइयों, ये जगह जो है मेरे गांव से, जो मेरे किसान फार्म से है, वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत रिमोट एरिया है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का ही है, और इसके आसपास के एरिया हैं जैसे कलसिया है, बेहट है, और उस बिहारीगढ़, ये जी इसके आसपास पड़ता है, बीच में बहुत ही रिमोट एरिया है। यहाँ एक हमारे किसान भाई हैं श्री विनोद सैनी जी, आप देखिए ये उनका फार्म है, सच ग्रामोदय संस्थान गो वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं या केचुआ खाद बनाते हैं? किसान भाइयों, मैंने पहली वीडियो में आपसे बताया था कि केचुआ खाद 3 प्रकार से बनती है। एक वो होती है जो केवल गोबर जिसमें प्रयोग करते हैं और केचुए छोड़ते हैं। दूसरी मैंने बताई थी कि उसमें गोबर में अगर इसे और अच्छी वैरायटी की या हाईली न्यूट्रिशियस करना है तो गोबर में आप पत्तियां जरूर मिलाएं, यानी पत्तियां हमारी कार्बन का स्रोत होती हैं और पत्तियां अवश्य मिलाएं। मेरे हिसाब से कम 20 से 25%, अगर आप और कुछ नहीं मिलाते, गोबर में 20 से 25% तक आपको पत्ती, जैसे भूसा हो, इसकी सूखी हुई पेड़ों की पत्तियां हो, आसपास का कटा हुआ घास हो, इस तरह मिलाना चाहिए। और तीसरा मैंने बताया था कि उसमें अगर आप 20 से 25% रॉक फॉस्फेट डालते हैं। तो आज मैं विशाल राणा जी के लिए यहाँ पर केचवे लेने आया हूँ, और एक मेरे साथ जो मेरे भाई सुनील त्यागी रहते हैं, वो भी बहुत इससे उत्साहित हुए, और उन्होंने भी एक पिट बनवाया हुआ है जिसे कि कृषि विभाग ने बना कर दिया, लेकिन केचवे नहीं दिए, तो वो भी मेरे साथ आज केचवे लेने आए हैं। तो आइए आपसे बात करते हैं श्री विनोद सैनी जी से कि वो इस काम को कब से कर रहे हैं, किस प्रकार करते हैं और इसके क्या फायदे हैं। आइए मिलते हैं श्री विनोद सैनी। तो ये हैं श्री विनोद सैनी जी, जिन्होंने एक विनोद सैनी जी जिन्होंने ये फार्म बनाया हुआ है, और इनका ये केचुआ खाद का यूनिट है। अब आइए मैं आपसे बात कराता हूँ और इनसे कुछ प्रश्न करते हैं जिससे आप सबको लाभ हो, और अगर इनके यहाँ से आपको केचुआ या केचुआ खाद की आवश्यकता हो तो आप इनको, इस डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर भी दूंगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो विनोद सैनी जी, आप बताइए कि ये आपने इसका शुरू करने का विचार कैसे आया, पहले अपना परिचय दें। मैं विनोद सैनी जी, गांव मेरा चांडी है जी, और करीब 15 सालों से मैं काम करता हूँ जी। तो जब मैंने देखा जाए, सरकार ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया जैविक खेती का ध्यान दिया, तो उसी समय मैंने अपने अंदर जो है धारणा रख कर ली, भाई मैं से काम को जरूर करूँगा। जबकि मेरा बच्चा जो है ये इस पर ध्यान नहीं देता जी, बच्चा नहीं उतना ध्यान देता। मैं भी और पिताजी हैं और लड़की हैं जी दो, वो भी इसमें बढ़िया ढंग से काम करते हैं सब। अच्छा, ये बताइए, इससे आपको पूरे एक वर्ष में कितने खाद की, आप केवल गोबर का प्रयोग करते हैं इसे बनाने में? हाँ, मैं इसमें गोबर और नीम की पत्ती डालता हूँ जी। नीचे जी जी जो जी बेड में नीचे? जी 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 अच्छा, एक साल में कितना गोबर की आवश्यकता होती है आपको इसमें? एक साल में पचास लगभग, ट्राली हाँ 50 ट्राली के आसपास मैं गोबर इसमें डाल देता हूँ जी। और एक ट्रॉली में लगभग 40 क्विंटल के हाँ, करीब एक ट्रॉली गोबर में। आता है। जी 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 तो किसान भाइयों, ये पूरे साल में 50 ट्रॉली गोबर खरीदते हैं, कुछ इनका अपना होता है और उससे ये पूरे साल में बनाते हैं, और इससे लगभग एक साल में कितनी आमदनी कर लेते हैं? एक साल में इसमें 5 साढ़े 5 लाख के आसपास मेरी जो है बिक्री देखिए, हो जाती है आप जी। इसको, छोटी सी यूनिट है ये, देखिए इसमें आप अंदर को जरा क्लोजअप करके दिखाओ, और ये एक छोटी सी यूनिट है ये, इसमें आप देखिए और इसके आसपास भी दिखाइए कितनी जगह है। ये मेरे ख्याल में 1 बीघा के करीब जगह होगी। 2 बीघा है जी। अच्छा, ये 2 बीघे में है इनका, 2 बीघे का मतलब 1600 स्क्वायर गज के करीब, आप मान लीजिए इसको यार्ड के करीब मान लीजिए, 1600 स्क्वायर यार्ड के करीब। वैसे तो हमारे इसमें, यहाँ जमीन हाँ, जी इसमें सरसों भी है, और ये कमा लेते हैं,
किसान भाइयों, इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, शायद आपने उस पर ध्यान दिया हो या नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मैंने सोचा मैं करूंगा। अंग्रेजी भाषा में इसको डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इन्होंने एक प्रण कर लिया इस चीज का कि मैं करूंगा इस चीज। और देखिए साल में 5.5 लाख रुपए के करीब ये इसमें कमा लेते। अब आप बताइए कि प्रति माह कितना हुआ, अपने घर में है, अपना काम किया और कितने आदमियों को रोजगार दिया। इनसे लोग खाद खरीदते भी हैं, थोक में भी खरीदते हैं। कुछ लोग इनसे ऐसे भी हैं, इनके जो क्रेता हैं, जो छोटी छोटी उन्होंने कंपनी बनाई हुई है, वे इनसे गोबर ले जाते हैं और अपना मार्का बनाकर उसको मार्केट में बेचते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये हम 600 रुपए क्विंटल बेचते हैं, यानी 300 रुपए उसमें अगर आप 50 किलो का बैग लेते हैं, जी 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 50 किलो का, अगर छोटा लेते हैं तो थोड़ा महंगा। अब आप देखिए जो लोग इसको खरीद रहे हैं, ये कोई इसकी यूजफुलनेस तो होगी, इसकी कोई उपयोगिता तो होगी, तभी तो कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आप सबसे फिर एक बार अनुरोध है कि अपने गोबर को एक परिष्कृत खाद के रूप में अपनाएं, थोड़े केचवे डालें, हर चीज सरकार की तरफ मत दें, हर चीज सरकार की तरफ मत दें, स्वावलंबी बनिए, अपना रोजगार अपने आप पैदा करिए और दूसरों को भी रोजगार दीजिए। जब हम आसपास दूसरों को रोजगार देंगे और इस तरह से हम भी तरक्की करेंगे, देश भी तरक्की करेगा और सब खुशहाल हो। किसान भाइयों, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर दे दूंगा, विनोद सैनी जी का नंबर दूंगा, आप इनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो इनसे बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।